नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत को अंदेशा है कि कहीं स्टिंग प्रकरण की जांच कर रही सीबीआई उन्हें गिरफ्तार न कर ले। हरीश रावत ने बीजेपी और अमित शाह पर वार करते हुए एक लंबी पोस्ट लिखी है। हरदा लिखते हैं, आदरणीय अमित शाह जी ने एक चर्चित आम सभा की, मुझको बहुत सारी बातें कहकर नवाजे गए। उन्होंने दो चुनौतियां सार्वजनिक रूप से मुझको दी। उन चुनौतियों में एक चुनौती में धमकी भी छिपी है और दो गलत बयानियां कर गए, बिल्कुल सफेद झूठ परोस गए। मेरा भी उत्तराखंडी स्वभाव है। फिर मैंने स्टिंग के मामले में कहा कि मैं उत्तराखंडी गंगलोड़ हूँ, लुढ़क सकता हूँ, दूर तक घिसटते हुए जा सकता हूँ, घिस घिस करके मिट्टी में मिल सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। सीबीआई के माध्यम से मुझे तोड़ने का प्रयास हो रहा है, कोशिश है कि मुझे जेल में डाला जाए। हरदा ने आगे लिखा, खैर उत्तराखंड न्याय करेगा, भगवान केदार जी न्याय करेंगे। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे लोकतंत्र या उत्तराखंड पर कलंक लगता हो। हाँ, मैंने लोकतंत्र को बचाया जरूर है, लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया और मुझे भगवान की कृपा से न्याय भी मिला है। पूर्व सीएम आगे लिखते हैं, अमित शाह जी को मालूम है कि दोनों स्टिंग जो मेरा हुआ है और जो भाजपा रूपी सत्तारूढ़ दल का हुआ है उसका बाप एक ही है, और भाजपा की जो वर्तमान सरकार है उसका बाप भी वही व्यक्ति है जिसने दोनों स्टिंग किए हैं। क्योंकि स्टिंग के गर्भ से ही वर्तमान भाजपा सरकार पैदा हुई है, तो दोनों स्टिंग, मेरे स्टिंग को भी और भाजपा का स्टिंग किया गया है उसको भी बन्नू स्कूल ग्राउंड देहरादून में बड़े से स्क्रीन पर मुनादी करके दिखाया जाए और उत्तराखंड पर फैसला छोड़ दिया जाए कि भ्रष्टाचार वास्तविक अर्थों में कहां होता दिखाई दे रहा है। मेरे पास तो पत्रकार का बाना पहने हुए एक व्यक्ति आया, ताजमहल, लाल किला सब कुछ खुद खरीद करके मेरी झोली में डालने का वादा कर रहा था। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि मैंने भी कह दिया कि यदि ऐसा करते हो तो मैं अमेरिका के फेडरल बैंक का खजाना आपके नाम कर दूंगा। वो मौखिक जमा खर्च बेच रहा था और मैं मौखिक जमा खर्च अदा कर रहा था। खैर, फैसला जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। कैसी अजीब विडंबना है, जिन्होंने दल बदल किया वो विधायक और मंत्री बने, जिन्होंने दल बदल करवाया, पैसा देकर के विधायकों को खरीदा, उनकी सरकार बनी, और हरीश रावत जिसने संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक कानून की रक्षा के लिए जिंदगी लगा दी उसको सीबीआई का मुकदमा झेलना पड़ रहा है। तो तीन ही जगह मैं न्याय की गुहार लगा सकता हूँ, भगवान केदार के पास लगा सकता हूँ, अपने इष्ट देव के पास लगा सकता हूँ और जनता जनार्दन उत्तराखंड के पास लगा सकता हूँ। आखिर में हरदा लिखते हैं, फैसला आप पर छोड़ता हूँ, मुझे तो भुगतना ही है क्योंकि मैं 2016 में ही भाजपा की आँख की किरकिरी था और आज भी आँख की किरकिरी हूँ। यदि मैं उत्तराखंड के लोगों की आँख की किरकिरी हूँ तो मुझे निकाल करके बाहर फेंक देना, और यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आपके लिए खड़ा हूँ, आपके लिए लड़ूंगा, तो फिर इस भाजपा रूपी अहंकार जो बन्नू स्कूल देहरादून में गर्जा है उससे मेरी रक्षा भी आपको ही करनी पड़ेगी। एक चुनौती तो मैंने निवेदित कर दी है, अन्य चुनौतियों पर मैं दूसरी बार आपसे बात करूंगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले स्टिंग प्रकरण पर हरीश रावत की इस पोस्ट पर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।